हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज का हमारा रेसिपी रहेगा आलू अंडा का, बहुत ही टेस्टी सब्जी, बहुत ही कम तेल मसाला में। चलिए तो ज़्यादा लेट ना करते हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नहीं रहिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर हम अंडा को उबलने के लिए पानी में डाल के गैस पर चढ़ा दिए हैं। इसको झाँप देते हैं 10 मिनट के लिए एकदम मीठा ताव में। तो चलिए अंडा को होने देते हैं। तो फाइनली 10 मिनट बाद हमारा अंडा उबला के रेडी हो गया है। तो इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम अंडा को छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली अंडा भी छील लिए, आलू भी छील लिए, प्याज भी काट के दो ठो रेडी कर लिए हैं। अब हमें सारा अंडा में छेद कर देना है, सलाई के कांटी ले लेना है, इस तरह से छेद कर देना है, 4-5 छेद सब में। तो फाइनली सारा अंडा में छेद हो गया। चलिए अब चलते हैं गैस के पास। गैस के पास आ गए, इधर हमारा कढ़ाई भी गर्म है, तो इसमें डालेंगे पहले तेल। तो फाइनली तेल भी डाल दिया, गर्म हो गया है अच्छा से। तो इसमें अभी हम सारा अंडा को डाल देते हैं। अंडा को डाल दिए, फ्राई होने देते हैं। एक साइड फ्राई हो जाएगा तो इसको पलट देंगे। तो फाइनली एक तरफ लाल हो गया अंडा, तो इसको पलट देंगे। इस साइड भी अंडा को फ्राई होने देते हैं, उसके बाद हम फिर से अंडा को पलट के और निकालेंगे। तो फाइनली अंडा फ्राई हो गया तो निकाल लेते हैं। तो फाइनली इधर हम अंडा फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम फूरन में डालेंगे तेजपत्ता, जीरा, लाल मिर्ची, सबको जलने देते हैं। तो फाइनली सब चीज़ जल गया है फूरन में, तो इसमें डालेंगे प्याज। तो फाइनली सारा प्याज को डाल दिए हैं। अब हम अच्छा से प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं लाल करके। जब तक प्याज फ्राई होगा तब तक मसाला रेडी कर लेते हैं। इधर मसाला में हम रेडी करेंगे 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और हमारे पास है क्वालिटी मसाला, तो ये भी मसाला थोड़ा सा डाल देते हैं। इतना ही मसाला में हम बहुत ही टेस्टी सब्जी बना के करेंगे रेडी। जब तक मसाला रेडी किए तब तक हमारा प्याज भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला, 2 मिनट हम मसाला फ्राई कर लेते हैं। तो मसाला फ्राई जब तक हो रहा तब तक हम इधर आलू में ही कर लेते हैं। तो आलू को हम अच्छा से में ही कर लिए हैं, तो इसको अब हम मसाला में ऐड कर देते हैं। तो आलू डाल दिए, सबको हम अच्छा से फ्राई कर लेते हैं मसाला के साथ आलू को। तो आलू भी फ्राई हो गया है मसाला के साथ साथ अच्छा से। तो इसमें डालेंगे अब नमक, सबको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे पानी, पानी डालने के बाद इसमें डाल देते हैं अंडा, सबको मिला लेते हैं। सारा चीज़ फ्राई हो गया है तो इसमें अब हम डाल देते हैं पानी। तो पानी डाल दिए, अच्छा से मिला लेते हैं। तो फाइनली अच्छा से सब चीज़ मिला लिए हैं, तो इसको हम झाँप देते हैं 5 मिनट के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा सब्जी बन के हो गया रेडी, देख सकते हैं। थोड़ा सा पतला किए क्योंकि हमें चावल पे खाना है, बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को इतना ही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।